चलो सब लोग हेडिंग लगा लो, सेमीकंडक्टर्स। पहले बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बता दूं कि बहुत बकवास भी है, थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बोर्ड के लिए और एंट्रेंस के लिए दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट। बोर्ड में भी सवाल आता है, कम से कम 10-12 नंबर का जरूर आता है, और एंट्रेंस में तो आता ही आता है, सेमीकंडक्टर प्लस कम्युनिकेशन सिस्टम मिला के। तो बिल्कुल जैसे पढ़ाऊं वैसे पढ़ लेना है, अपना दिमाग थोड़ा कम लगाना है। अपना दिमाग क्या लगाना है बच्चों? कम लगाना है, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। सेमीकंडक्टर्स में सबसे पहले थोड़ी देर आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलो सबसे पहले एक लाइन लिखो, एक हेडिंग लगाओ, एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। हेडिंग लगाओ एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, और इसके बारे में सबसे पहले दो लाइन लिखो, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, सब लोग आ गए हो ना, स्टार्ट कर सकते हैं ना। चलो लिखना शुरू करो। इन अ सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन अ सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम देयर आर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स। इन अ सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन अ सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम देयर आर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स, देयर आर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट्स, एंड द इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट्स इन दिस फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स अकॉर्डिंग टू बोर। बोर मॉडल याद है? एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर तुमने पढ़ा हो तो बोर साहब का कहना था कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अरे पता है ना? तो उसी की कहानी लिख रहे हैं हम। सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बोर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन दिस फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स अकॉर्डिंग टू बोर, अकॉर्डिंग टू बोर, अकॉर्डिंग टू बोर, फुल स्टॉप, लाइन चेंज, लाइन चेंज करके लिखो। बट इन अ क्रिस्टल, बट इन अ क्रिस्टल, इन अ क्रिस्टल देयर आर मेनी एटम्स, बट इन अ क्रिस्टल देयर आर मेनी एटम्स, देयर आर मेनी एटम्स एंड ईच एटम, ईच एटम इज सराउंडेड बाय, ईच एटम इज सराउंडेड बाय नेबरिंग एटम्स, ईच एटम इज सराउंडेड बाय नेबरिंग एटम्स, नेबरिंग एटम्स, नेबरिंग एटम्स, फुल स्टॉप। ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस द एनर्जी लेवल गेट्स मॉडिफाइड एंड कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी बैंड्स। ड्यू टू दिस द एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल गेट्स मॉडिफाइड, ड्यू टू दिस द एनर्जी लेवल गेट्स मॉडिफाइड एंड कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी बैंड्स। ड्यू टू दिस द एनर्जी लेवल गेट्स मॉडिफाइड, एनर्जी लेवल गेट्स मॉडिफाइड एंड कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी बैंड्स, एंड कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी बैंड्स, कन्वर्ट इनटू एनर्जी बैंड्स। लिख लिया सबने? लिख लिया क्या?
अब देखो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें, फिर सिंगल एटम की अगर बात की जाए, कहानी में थोड़ा सा चेंजेज आएगा अभी। सिंगल एटम की अगर बात की जाए, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमने पढ़ा होगा। देखो मुझे केमिस्ट्री नहीं आता है, पहले बता देता हूं, जितना काम का है उतना ही आता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ जरा सबसे पहले मुझे, 1s2 2s2 2p6 3s1 यही होता है ना, 4 6 10 11, हाँ हो गया, ये हो गया। तो बताया बोर साहब ने क्या बताया था कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले 1s होता है, उसके बाद 2s होता है, उसके बाद 2p होता है, उसके बाद 3s होता है। इसको ग्राउंड स्टेट बोला करते थे, है ना, ग्राउंड स्टेट इसको बोलते थे हम लोग, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसको बोलते थे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये कहानी था सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि सिंगल एटम की अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे होते हैं, घूमते रहते हैं, बहुत सारा कहानी है इसके पीछे। लेकिन हम अभी बात सिंगल एटम की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल की, सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, बहुत सारे एटम होते हैं। तो उसमें क्या देखा गया कि ये जो एनर्जी बैंड्स होता है वो ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है। अगर हम क्रिस्टल की बात करें, फॉर क्रिस्टल जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं, मेनी एटम्स, अब उसमें क्या कहानी होता है, देखो नीचे ठीक है 1s, उसके ऊपर 2s जो होता है वो कुछ ऐसा होगा, बैंड के फॉर्म में आएगा बच्चों ऐसा, और इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होगा, दिस इज 2s। उसके ऊपर का जो बैंड होगा यानी कि 2p जो होगा, इससे थोड़ा सा और चौड़ा, मतलब थोड़ा सा और ऐसा कुछ, अगला एनर्जी बैंड, दिस इज 2p। उसके ऊपर और जाओ, 2p के ऊपर कौन आता है, 3s, तो ये इससे थोड़ा और ऐसा कुछ होगा 3s। इसके ऊपर कौन आता है बच्चों, 3p आएगा, इससे थोड़ा और 3p। तो इस तरह के बैंड्स में एग्जिस्ट करता है कहानी, एनर्जी लेवल्स कुछ ऐसा हो जाता है इसका। अब 3s जो है, 3s पूरा फील्ड तो नहीं है, 3s हाफ फील्ड है ना, 3s1 है, तो इसको दिखाने के लिए हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ कहानी है। अब क्या होता है बच्चों, सॉलिड्स में इस तरह का एनर्जी बैंड एग्जिस्ट करता है जिसको हम एनर्जी बैंड बोलते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इनका विड्थ जो होता है वो बढ़ता जाता है। अब इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है, ये यहां पे फिलहाल 3s दिख रहा है ना, जिसमें सबसे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां पे है दैट इज 3s, इसका नाम है बच्चों वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं इसको, वैलेंस बैंड, सुनते जाओ, जैसे पढ़ा रहा हूं सुनते जाना है और लिखते जाना है, बीबी के नाम से जानेंगे इसको। और उसके ऊपर जस्ट ऊपर जो खाली वाला होता है दैट इज नोन एज कंडक्शन बैंड, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, इसको हम लोग सीबी के नाम से जानेंगे, सीबी। तो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और इनके बीच में जो गैप्स होते हैं ना, ये जैसे ये वाला, इसको डेल्टा ईजी से डिनोट करते हैं, और डेल्टा ईजी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्मी एनर्जी गैप, फर्मी एनर्जी गैप, ये होता है। और क्या क्या बातें होती हैं, जैसे इसमें देखो, इसमें यहां तक इलेक्ट्रॉन्स अगर फील्ड है यहां तक, तो ये जो लेवल होता है दिस इज नोन एज फर्मी एनर्जी लेवल। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लिख लेना है, फर्मी एनर्जी लेवल, हो सकता है ये फुल फील्ड हो, कोई जरूरी नहीं है कि हाफ ही हो, फर्मी एनर्जी लेवल। और क्या बातें होती हैं, दिस इज अगेन डेल्टा ईजी, सबके लिए अलग अलग वैल्यू होता है। तुमने पढ़ा भी होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, याद है कितना होता था एनर्जी इस पे इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी एनर्जी डिफाइंड किया करते थे हम लोग, पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ आता था क्या, हाँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इस पे होता था कितना, 3.5 होता था शायद, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद फिर 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे कुछ कुछ होता है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल वो होता है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी लेवल्स है ये एनर्जी बैंड में कन्वर्ट हो गया, 1s 2s 2p 3s 3p, जो आउटर मोस्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज नोन एज वैलेंस बैंड, और उसके जस्ट ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड मतलब यहां से कंडक्शन होगा, यानी कि जो भी करंट वरेंट, जो भी हीट वीट, जो भी तुमको पास कराना है वो यहां से होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आएगा, कैसे आएगा,
तो होता क्या है, अगर हम इस सिस्टम को हीट करें, किसी मेटल को अगर हीट करें तो क्या होता है, हीट करने के बाद ये जो वैलेंस बैंड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, ये मूव करते हैं कहां पे, कंडक्शन बैंड में। तो यहां से इनका मूवमेंट होता है यहां पे कंडक्शन बैंड में, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स अगर आ गए और अगर इनके आसपास हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, कोई बैटरी वैटरी लगा दिया, तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएंगे, समझ रहे हो बात। तो इसलिए इसका नाम होता है बच्चों कंडक्शन बैंड। अब इसके हिसाब से ना देखो, जो पहला सवाल बनता है तो बोलता है कि एनर्जी बैंड के हिसाब से डिफाइन करो कि कौन क्या बोलते हैं उसको, कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है और कौन सेमीकंडक्टर है। तो बात समझ में आ रहा है, देखो सारा कहानी इसके बीच में है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप डेल्टा ईजी जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये गैप कितना ज्यादा है और कितना कम है वही डिसाइड करता है कि मटेरियल बढ़िया कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर है कि इंसुलेटर है। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर इसका वैल्यू बहुत कम, इमेजिन करो कि अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप कर ले गया, यानी कि इनका कुछ पोर्शन आपस में मिल गया, तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली यहां पे पहुंच जाएगा, और अगर अगर इलेक्ट्रॉन यहां से बहुत इजीली यहां पे पहुंच गया तो क्या हमारा कंडक्शन बहुत आसानी से होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली अगर अवेलेबल हो गया तो वो हो जाएगा बच्चों कौन सा, दैट इज कंडक्टर्स। समझ में आ रहा है बात। अगर इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा हुआ, डेल्टा ईजी का वैल्यू इतना ज्यादा हुआ कि एनर्जी देने के बाद भी इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो क्या कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा कि अपने पास, नहीं होगा, तो वो हो जाता है तुम्हारा इंसुलेटर। डेल्टा ईजी का वैल्यू, डेल्टा ईजी का वैल्यू ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो सब कुछ लिखा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, जो बता रहा हूं बस सुनते जाओ। अगर डेल्टा ईजी का वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हुआ तो यहां से इलेक्ट्रॉन का यहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, दैट इज कंडीशन ऑफ इंसुलेटर्स। अगर बीच बीच में हुआ डेल्टा ईजी का वैल्यू ना तो ओवरलैप ही किया और ना ही बहुत ज्यादा गैप हुआ, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा कुछ हुआ, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम अगर डेल्टा ईजी का वैल्यू हुआ, देन दैट इज सेमी कंडक्टर्स। ठीक है ना, सेमी मतलब बीच वाला कंडक्टर है वो, ना तो बहुत अच्छा कंडक्टर है ना तो इंसुलेटर है, यानी कि अगर हीट करोगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा और कंडक्शन के लिए अपने पास अवेलेबल रहेगा, तो दोज मटेरियल्स आर नोन एज सेमीकंडक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो पहले जो जो बोर्ड पे लिखा है वो छाप लो, उसके बाद मैं कहानी लिखाता हूं इसका, हिस्ट्री। तो पहला सवाल यही बनता है बच्चों, बोर्ड में एकदम आता ही है, हर एक साल दो साल के गैप के बाद यही आ जाता है कि एनर्जी बैंड के हिसाब से बताओ कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये सब में डिफरेंस बताओ। तो जैसे लिखा हूं वैसे लिख के आ जाना। इसमें खूब थ्योरिटिकल सवाल बनते हैं, मैक्सिमम पोर्शन ही थ्योरी है इसका, और अगर जेन्युइनली देखा जाए तो यही ओरिजिनल फिजिक्स है बच्चों। अभी तक हम लोग जितना फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, क्लासिकल मैकेनिक्स वगैरह वो सब जो पढ़ते हैं, वो सब कहानी तो बदल चुका है। सब कुछ बदल चुका है, अब पुरानी पुरानी चीजें यूज नहीं होती हैं। अब वो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सर्किट वर्किट वो सब, बैटरी वैटरी वो सब कहाँ यूज होता है आजकल, आजकल हर जगह डायोड वायोड यूज होता है, सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। तो असली फिजिक्स तो ये है, लेकिन यहाँ पे तुमको बस इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है, असली कहानी तुमको कॉलेज में जाके मिलेगा। इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मिलेंगे, बहुत सारे इस पे अलग अलग ब्रांचेज मिलेंगे, इस पे अलग अलग मतलब वो आएगा तुम्हारा पेपर वगैरह, इसमें पीएचडी करना चाहो तो उसके अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो असली कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है, जो आजकल चल रहा है दुनिया में, हम लोग जो पढ़ते हैं फिजिक्स वो तो पुरानी चीज़ है। लिख लिए, बनाओ बनाओ, फार्मी फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, तुम्हारा नेटवर्क खराब है, फिर से बोलो, हाँ, इसको फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं बच्चे, जहां तक इलेक्ट्रॉन इसमें फील्ड है ना,
दिस इज फर्मी एनर्जी लेवल, ये जो गैप है दिस इज फर्मी एनर्जी गैप, फर्मी एनर्जी गैप। ये किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर दे दिया गया है, साइंटिस्ट को इज्जत देने के लिए ऐसा किया जाता था। तो मेन कहानी है बच्चों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप कितना है, वो गैप डिसाइड करता है कि वो मटेरियल कैसा है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर से। अगर गैप बहुत ज्यादा तो इंसुलेटर, अगर गैप बहुत ही ज्यादा कम यानी कि ओवरलैप कर जाए दैट इज कंडक्टर्स, और अगर गैप बीच बीच में हो ना ज्यादा ना कम दैट इज सेमीकंडक्टर्स। तो कहानी में बस इतना ही होता है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन पहुंचता है कंडक्शन बैंड में, कैसे पहुंचता है, क्यों पहुंचता है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल तो इतना ही जानो कि यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचता है कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड के अगर अक्रॉस हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और हमको जो भी मिलना है करंट वरेंट मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ बोलो। हाँ 3s फिलहाल हम लोग इसकी बात कर रहे हैं बच्चे, हाँ सोडियम की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए 3s है, वो किसी के लिए कोई भी हो सकता है। हाँ तो वो कोई भी हो सकता है बच्चे, दैट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हम उस पर इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड हैं वैलेंस बैंड मतलब जो आउटर मोस्ट जो सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है ना, उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, और उसके जस्ट ऊपर वाला जो खाली है दैट इज कंडक्शन बैंड। बोलो तो लिखाऊं फिर से कहानी, चलो नीचे लिखना शुरू करो सब लोग। फर्मी एनर्जी लेवल ये, ये है फर्मी एनर्जी गैप। हाँ वैलेंस बैंड में ही होगा बच्चे, वो लिखो। इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, लिखना शुरू करो। इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेल containing them is called valence cell, and the cell containing them is called valence cell, valence cell. Cell containing them is called valence cell, full stop. Line change. In case of a solid, in case of a solid lattice, in case of a solid lattice, in case of a solid lattice, the topmost band in which electrons are present, in case of a solid lattice, the topmost band in which electrons are present is known as valence band. In case of a solid lattice, the topmost band in which electrons are present is known as valence band, is known as valence band. Valence band, full stop. उसके बाद लिखो, the lowest
अनफिल्ड एनर्जी बैंड, द लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड, द लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड जस्ट अबव द वैलेंस बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड. द लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड जस्ट अबव द वैलेंस बैंड. द लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड जस्ट अबव द वैलेंस बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड. 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 हो गया, लिख लिए. एक और लाइन लिख देना, लाइन चेंज करके. फर्मी एनर्जी इज डिफाइंड ओनली एट जीरो केल्विन. उसको जीरो केल्विन पे डिफाइंड किया गया है, फर्मी एनर्जी लेवल जो है. फर्मी एनर्जी इज डिफाइंड एट जीरो केल्विन. अगर कहीं दिख जाए गलती से तो फर्मी एनर्जी इज डिफाइंड एट जीरो केल्विन. जीरो केल्विन. हां जी, अब देखना, हेडिंग लगा लो. बैंड स्ट्रक्चर इन मेटल्स. बैंड स्ट्रक्चर इन मेटल्स. ध्यान से देखो क्या होता है बच्चों. अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो क्या होगा, ये अपना वैलेंस बैंड बीबी, और ये अपना जो कंडक्शन बैंड होता है वो इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा. यानी कि कुछ ऐसा, ये यहां से यहां तक ये है बच्चों सीबी कंडक्शन बैंड, और ये है अपना वीबी. यानी कि सिचुएशन में क्या होगा, दोनों का ओवरलैपिंग हो जाएगा. और ओवरलैपिंग होने के कारण, यानी कि इसका कुछ पोर्शन इसके साथ मिल जाएगा, ओवरलैपिंग होने के कारण क्या डेल्टा ईजी का वैल्यू जीरो आ जाएगा, फर्मी एनर्जी गैप जो है. और अगर फर्मी एनर्जी गैप जीरो आ गया तो इलेक्ट्रॉन यहां इजीली अवेलेबल है. तो ये कहानी है कंडक्टर्स का. कंडक्टर्स की अगर बात करें तो डेल्टा ईजी जीरो. अगर बात करते हैं इंसुलेटर्स की, सबके बारे में मैं लिखा दूंगा, फिलहाल डायग्राम देख लो. इंसुलेटर्स में क्या होगा, ये हो गया अपना वैलेंस बैंड बीबी, और इधर कहीं कंडक्शन बैंड ये सीबी, और इनके बीच का जो डेल्टा ईजी होगा, डेल्टा ईजी दैट शुड बी ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर इससे ज्यादा हो गया एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल. दिस इज इंसुलेटर केस. और तीसरा जिसके बारे में हमको पढ़ना है, दैट इज सेमी कंडक्टर. उसके केस में क्या होगा, गैप तो होगा लेकिन थोड़ा कम होगा. अगर ये VB है तो यहां कहीं CB होगा. दिस इज VB एंड दिस इज CB, और इनके बीच का जो गैप होगा एनर्जी गैप डेल्टा EZ दैट शुड बी लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स. एक काम करो, लिखना शुरू करो. पहले डायग्राम बना लेना तुम सबके जगह पे, थोड़ा थोड़ा जगह देख के डायग्राम बना लेना. पहले जो जो बोल रहा हूँ वो तो छाप लो पहले. लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, पहले बोल रहा हूँ. बाकी चैप्टर्स में लैंग्वेज का इतना वैल्यू नहीं था, लेकिन इस चैप्टर में है तो मुझे लिखाना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. लिखो, हाँ जी, मेटल्स. सबसे पहले मेटल्स के लिए बात करें, मतलब कंडक्टर्स के लिए, तो मेटल्स वाले भी इसमें लिखो, इस वाले में लिखो. मेटल्स आर दी सब्सटेंसेस. मेटल्स आर दी सब्सटेंसेस इन विच मेटल्स आर दी सब्सटेंसेस इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट्स इन द कंडक्शन बैंड. इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स exists in the conduction band. Valence electrons exists in the conduction band. Conduction band.
लाइन चेंज करके लिख लेना, दैट इज ओवरलैपिंग एग्जिस्ट्स, दिस इज ओवरलैपिंग बच्चों, ये जो दिख रहा है तुमको यहां से यहां तक, दिस इज ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग एग्जिस्ट्स। थोड़ा सा जगह छोड़ देना ये डायग्राम बनाने के लिए, उसके बाद लिखो, थोड़ा जगह छोड़ने के बाद ये हो गया तुम्हारा इंसुलेटर या फिर नॉन मेटल्स के केस में। इसमें लिखो, व्हेन देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन बीबी एंड सीबी, सेकेंड पॉइंट देके लिख सकते हो, व्हेन देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन बीबी एंड सीबी, बीबी एंड सीबी एंड एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा ईजी एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हेन देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन बीबी एंड सीबी एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा ईजी एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द मटेरियल इज इंसुलेटर, देन द मटेरियल इज इंसुलेटर, व्हेन देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन वीबी एंड सीबी एंड द एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द मटेरियल इज इंसुलेटर, मटेरियल इज इंसुलेटर, इंसुलेटर। थोड़ा सा जगह छोड़ के डायग्राम के लिए सेमी कंडक्टर्स लिख लो, सेमी कंडक्टर्स, और उसमें लिखो, बोलो, लिखो द वैल्यू ऑफ डेल्टा ईजी एनर्जी गैप, द वैल्यू ऑफ डेल्टा ईजी, डेल्टा ईजी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज वेरी स्मॉल, द वैल्यू ऑफ डेल्टा ईजी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज वेरी स्मॉल, ब्रैकेट में लिख लेना, डेल्टा ईजी लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी स्मॉल, ब्रैकेट में लिख लो, लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फुल स्टॉप। हियर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हियर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर, हियर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर गेन एनर्जी, गेन एनर्जी, हियर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर गेन एनर्जी, गेन एनर्जी बाय थर्मल एजिटेशन, गेन एनर्जी बाय थर्मल एजिटेशन, एजिटेशन एंड फ्लोज इनटू द कंडक्शन बैंड, एंड फ्लोज इनटू द कंडक्शन बैंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर गेन एनर्जी बाय थर्मल एजिटेशन एंड फ्लोज इनटू द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। लेकिन ख्याल रहे, अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया बच्चों, इमेजिन करो अगर टेम्परेचर बहुत कम हुआ तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाएगा, अगर उसको एनर्जी नहीं मिलेगा तो यहां से यहां नहीं जाएगा। तो सेमीकंडक्टर जो होता है बहुत ही लो टेम्परेचर पे वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करने लग जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बात भी लिखी लो नीचे वरना भूल जाओगे कि एट वेरी लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स बिहेव्स लाइक इंसुलेटर्स, एट लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स बिहेव्स लाइक इंसुलेटर्स, बिहेव्स लाइक, बिहेव्स लाइक इंसुलेटर्स। और ये डायग्राम बना लो तीनों में अलग अलग। एट लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स बिहेव्स लाइक इंसुलेटर्स।
लिखो, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा ईजी इज वेरी स्मॉल. इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा ईजी इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ब्रैकेट में लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और बोलना है कि हो जाएगा? ठीक है. तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी. तो एनर्जी गैप कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से पहुंच जाता है. थोड़ा एनर्जी अगर उसको मिले तो वो पहुंच सकता है कंडक्शन बैंड में, और अगर कंडक्शन बैंड में पहुंच गया और वहां पे हमने पोटेंशियल, कंडक्शन बैंड में खाली पहुंचने से नहीं होगा, कंडक्शन बैंड में पहुंचने के बाद वहां हमें अप्लाई करना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि कोई बैटरी वैटरी लगा दो तो इलेक्ट्रॉन अगर एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दिया तो अपने को अपना काम हो जाएगा. तो दैट इज द मेन बेसिक प्रोसेस इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स. सबसे बढ़िया सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स कौन कौन होते हैं बच्चों? सुना ही होगा, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है. नाम सुने हो? तो होता क्या है ना, चलो यहां पे थोड़ा सा और दिखा देता हूं मैं इसी वाले डायग्राम में. सेमीकंडक्टर में जैसे मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, ये अपना वैलेंस बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे. होता क्या है, मान लो इसको थोड़ा हीट दिया, नीचे से गर्म किया बाय एनी मीन. गर्म करने के बाद क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहां से इलेक्ट्रॉन ये टूट टूट के यहां पहुंचना शुरू होगा. अगर उसको एनर्जी मिलेगा, एनर्जी गैप कम होगा, ये अगले लेवल पे जाना चाहेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं. इधर मान लो और भी आ गए, एक और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गए. और इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पहुंचे, अच्छा इलेक्ट्रॉन यहां गए तो यहां क्या बचा, क्या उसके जगह पे अगर नेगेटिव चार्ज यहां से निकल गया तो क्या यहां पॉजिटिव चार्ज बचता है? तो उनको हम लोग बोलेंगे होल्स. अगर इलेक्ट्रॉन यहां से एक निकला तो अपने जगह एक क्या छोड़ के गया, होल. होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, कंफ्यूज नहीं होना है. यहां एक होल छोड़ के गया, यहां एक होल छोड़ के गया, यहां एक होल छोड़ के गया. तो बेसिकली अपने पास टू चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं बच्चों, एक तो इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होल्स, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज कैरियर, दूसरे पॉजिटिव चार्ज कैरियर. दीज आर होल्स, होल्स या फिर पॉजिटिव चार्ज कैरियर ऐसे भी बोल सकते हो. एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. तो अपने को जो करंट मिलेगा ना, दोनों के कारण मिल सकता है, इसके कारण भी और इसके कारण भी. तो इसलिए बोला जाता है कि नेट करंट जो होता है वो IE प्लस IH के बराबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आई नेट जो होगा, अगर हम इसके अक्रॉस मान लो बैटरी वैटरी लगा दिया, इधर पॉजिटिव लगा दिया, इधर नेगेटिव लगा दिया, ऐसा कुछ कर दिया, ऐसे वायर वायर कनेक्ट करके बैटरी लगा दिया हमने, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू होगा उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो अपने को जो आई जो मिलता है, आई नेट, दैट इज बेसिकली आईई प्लस आई एच. दिस इज इलेक्ट्रॉन करंट. अभी इसके बारे में चलते हैं, गहराई में जाएंगे थोड़ा और. दिस इज होल करंट. तो प्रोसेस यही होता है बच्चों, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. इसको एनर्जी मिलेगा वैलेंस बैंड वाले आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स भागेगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो वहां पे एक होल क्रिएट करके जाएगा. होल मतलब पॉजिटिव चार्ज. अब इनके एग्जांपल्स वही होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम. इनका डेल्टा ईजी का जो वैल्यू होता है वो काफी कम होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है. ठीक है ना, तो एक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स में लिख सकते हो तुम, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इसके लिए डेल्टा ईजी का जो वैल्यू होता है 1.1 कुछ होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसा होता है, और इसके लिए शायद 0.5 होता है. तो ये लोग सबसे बढ़िया सेमीकंडक्टर्स माने जाते हैं और बेसिकली इन्हीं को यूज किया जाता है. तो दिस इज द बेसिक स्टोरी.
कि सेमीकंडक्टर्स, अब हम पहुंच चुके हैं सेमीकंडक्टर के पास, ठीक है ना। अब हमको यहाँ से चैप्टर को कंटिन्यू करना है। अभी तक हम लोग कहानी पढ़ रहे थे, कैसे डिराइव किया गया, कैसे डिफाइन किया गया इसको। तो अभी हम आ चुके हैं सेमीकंडक्टर्स के पास। तो अब अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो दुनिया में दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, सुना ही होगा तुमने। एक होता है, हाँ बहुत बढ़िया, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक को प्योर बोलते हैं और दूसरे को इम्प्योर बोलते हैं, या फिर डोप्ड बोलते हैं। डोप्ड, डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोपिंग पता है ना, डोपिंग, वैसे ही। इसमें लिख लो, ये डायग्राम के नीचे एक दो और लाइन लिख लो, जो जो मैं लिखा रहा हूं, जितना लिखा रहा हूं सब लिखो। हियर वी हैव टू पॉसिबिलिटीज ऑफ कंडक्शन, हियर वी हैव टू पॉसिबिलिटीज ऑफ कंडक्शन। देखो मैं फिजिक्स में इतना लिखाता नहीं हूं, तुमको पता है पिछला चैप्टर पढ़ाया था मैंने, लिखाया था क्या लैंग्वेज वैंग्वेज? नहीं लिखाया था, याद कर लो। बिल्कुल बहुत कम लिखाने की कोशिश करता हूं, जहां कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वहां, जहां समझना है। यहां समझना कम है, लिखना ज्यादा है, बस इतना ही है समझने के लिए। अब हर जगह यही चीज होता रहेगा, लैंग्वेज दुनिया भर का है, लिखते जाओ। हियर वी हैव टू पॉसिबिलिटीज ऑफ कंडक्शन। फर्स्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड सेकेंड होल्स इन द वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड सेकेंड होल्स इन द वैलेंस बैंड। होल्स इन द वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन द वैलेंस बैंड, दीज आर नोन एज चार्ज कैरियर्स। दीज आर नोन एज चार्ज कैरियर्स। दीज आर नोन एज चार्ज कैरियर्स। अच्छा अभी तुमको फील आएगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़े, अबे बढ़ेगा 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 ना, लिख लो। विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये सब सवाल आते हैं एंट्रेंस में, सब पूछे हुए हैं। टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, ये सारी चीजें पूछी हुई हैं। विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, एजिटेशन। अच्छा टेम्प रेजिस्टेंस के बारे में क्या ख्याल, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। अच्छा चलो इसके ऊपर एक सवाल दे दूंगा जो पूछा हुआ है, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद। हाँ जी, अब देखो इसमें शुरू में अगर देखा जाए, ये क्या है, मटेरियल जो है न्यूट्रल है। मटेरियल अभी क्या है, कोई अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह अप्लाई नहीं किया तो न्यूट्रल मटेरियल है। और न्यूट्रल मटेरियल में क्या होगा, इनिशियली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बराबर होता है, होगा नहीं होगा? जितना इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा उतना ही तो होल क्रिएट होगा ना, तो दोनों का नंबर स्टार्टिंग में बराबर होता है, ठीक है। अब आते हैं हम इनके टाइप्स के बारे में और देखते हैं सेमीकंडक्टर को किस हिसाब से किस टाइप में डिवाइड किया गया है। हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये डायग्राम मिटाऊंगा, मिटाऊं क्या, दो तरह के होते हैं बच्चों, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। क्या होता है इनके बारे में मैं डिटेल में आपको थोड़ा बताता हूं।
फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इसको डोप्ड भी बोलते हैं, डोप्ड, डोपिंग किया है इसने, ड्रग्स वगैरह ले लिया है, ठीक है। अब देखो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं सिलिकॉन को उठाते हैं, ठीक है ना। सिलिकॉन, उसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों? 4 होता है शायद, हाँ 4 होता है। देखो मुझे इतना केमिस्ट्री नहीं आता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग चेक करने मत लग जाना, सही में नहीं आता है केमिस्ट्री, मुझे नफरत है बहुत बड़ा वाला, और खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कभी समझ में नहीं आया मुझे आज तक, चल क्या रहा है ऑर्गेनिक के अंदर। तो चलो ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, तुमको समझ में आ जाएगा, मुझे जितना आता है उतना मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। अगर सिलिकन की बात की जाए, ठीक है ना, ये सिलिकन है, सिलिकन 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 बना लो चारों तरफ सबसे पहले, तो क्या होता है देखो, सबसे पहले बात कर रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर की, यानी कि इसके साथ कोई मिलावट नहीं किया गया है। तो सिलिकन की अगर बात करें तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, अपने वैलेंस सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करता है स्टेबल बनने के लिए, ब्लर हो गया क्या सबका, हुआ क्या ब्लर अभी, ठीक है सुनो, इसके पास मान लो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। तो ये क्या करता है अपने आजू बाजू वाले से, ठीक है ना, चारों के साथ शेयरिंग करता है। देखो बॉन्ड वॉन्ड फॉर्मेशन वो सब तुमको पता होगा, एक इसके साथ लिया, एक इसके साथ लिया, एक इसके साथ लिया और इसके साथ लिया, और कोवलेंट बॉन्ड जैसा कुछ बना लेता है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है। सारे सिलिकॉन के साथ यही कहानी, अपने आजू बाजू वालों के साथ मिलके, अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं इनके, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या होता है बच्चों, मान लो यहां पे कंडक्शन बैंड है सीबी, दिस इज सपोज सीबी कंडक्शन बैंड। होता क्या है, ये स्ट्रक्चर है अभी बहुत बढ़िया स्टेबल है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो चुका है। अगर हमने मान लो इसको हीट किया, नीचे से यहां से हीट किया मटेरियल को, तो क्या होता है हीट करने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये टूटते हैं, ये बॉन्ड्स क्या होते हैं ब्रेक होते हैं। ब्रेक होने के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में, मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो यहां पे क्या क्रिएट किया इसने, फिर से होल। तो बॉन्ड टूटेंगे, रैंडमली टूटेंगे, ऐसा नहीं है कि इसी का टूटेगा, किसी का भी टूट सकता है। इतने सारे स्ट्रक्चर से मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन टूट गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन टूट के यहां पहुंचा, इसने भी यहां पे एक होल क्रिएट कर दिया, ठीक है। वैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन टूट के गया, यहां पे एक होल क्रिएट कर दिया। तो ये सब जो दिखाई दे रहा है ये सारे होल्स हैं, होल्स एक्सप्लेन करूंगा बहुत बढ़िया से, सुनते जाना। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहे हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे 3 होल इसने क्रिएट कर दिया। यहां पे इसमें क्या होता है, इंप्योरिटीज मिलाते हैं हम, ठीक है ना। डोप्ड का मतलब है डोपिंग करवाना इसको, ये पहले प्योर था, इसके साथ कोई मिलावट नहीं था, उसके साथ हमने इंप्योरिटी मिलाया, क्यों मिलाया वो भी समझ में आएगा। वापस से एक बार मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं, सिलिकन 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 इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, अब इंप्योरिटी जो मिलाते हैं हम लोग, ठीक है ना, दो तरह की इंप्योरिटीज मिलाते हैं बच्चों, एक पेंटावेलेंट और एक ट्राइवेलेंट, ठीक है ना। कैसे इंप्योरिटीज मिलाते हैं, एक तो पेंटावेलेंट और दूसरा ट्राइवेलेंट। तो सबसे पहले मैं पेंटावेलेंट मिक्स कर रहा हूं, पेंटावेलेंट कौन है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस को ले लिया, फॉस्फोरस को ले लिया हमने, ठीक है ना, तो फॉस्फोरस को इसके साथ मिक्स कर दिया। अब क्या होगा सुनना, फॉस्फोरस के पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5,
पांच इलेक्ट्रॉन थे और इनके पास चार चार थे, तो क्या होता है, सबके साथ शेयरिंग करेगा ये, बहुत बढ़िया, आजू बाजू वालों के साथ किया शेयरिंग, बाकी सबका शेयरिंग चल रहा है। होगा क्या कहानी में वो देखिए, क्या चेंजेज आता है। ये अपना कंडक्शन बैंड। अब क्या होगा, देखो फास्फोरस के पास थे पांच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो पांच इलेक्ट्रॉन में से चार एक इसके साथ शेयर कर लेगा, 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 और बाकी इन लोग के पास चार तो ऑलरेडी था ही, तो इनका ऑक्टेट सबका कंप्लीट करके ये चार तो शेयर कर लेगा, क्या इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। इसके पास थे पांच इलेक्ट्रॉन, चार तो इसने शेयरिंग में दे दिया, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा, ये पहले ही कूद के पहुंच जाता है, ये एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन ये पहले ही पहुंच गया कंडक्शन बैंड में। यानी कि जब हमने कोई भी यहां पे बॉन्ड ब्रेक नहीं किया है, तभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। एक फॉस्फोरस नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, उनका डोपिंग करते हैं, उनका रेशियो है वो भी मैं लिखा दूंगा। तो मतलब बिना कुछ किए, बिना बॉन्ड वॉन्ड को तोड़े, यहां पे ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं पहले से। अब उसके बाद अगर इसको हीट किया जाए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन और टूटेंगे, ये टूट के और पहुंच गया, तो यहां पे होल एक क्रिएट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन और टूट गया मान लो, तो यहां पे एक होल क्रिएट हो गया, तो एक होल, दो होल, दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पे तीसरे होल की जरूरत नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन पहले से था। और भी मान लो इधर कोई फॉस्फोरस होता अगर, तो यहां पे कुछ और इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते। यानी कि इस कंडीशन में साफ साफ दिख रहा था क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर होता बच्चों, प्योर वाले में जितना इलेक्ट्रॉन टूट के यहां पहुंच रहा है उतना ही तो होल क्रिएट हो रहा है। लेकिन इस वाले केस में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ज्यादा होता है नंबर ऑफ होल से, और बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होता है मतलब इसमें, ठीक है। अब फिर से सुनो कहानी, मैं एक बार फिर से तुमको स्टार्टिंग से बताता हूं, ध्यान से सुनो। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी इंप्यूरिटीज को हमने मिक्स नहीं किया है, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक का मतलब हमने कुछ इंप्यूरिटीज इसमें मिलाया है या फिर डोपिंग किया है इसका। डोपिंग मतलब वही कुछ मिला लिया, जैसे क्रिकेट विकेट में देखते हैं अपन ड्रग्स व्रग्स लेके कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी ले आते हैं, वैसे ही कुछ इसके साथ हो रहा है, कुछ इंप्यूरिटीज मिलाने के कारण इसका कंडक्टिविटी हम बढ़ाना चाहते हैं। वो कैसे बढ़ेगा देखते हैं। सबसे पहले प्योर सेमीकंडक्टर की अगर बात की जाए तो इसमें क्या हुआ, ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है, चार 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 सब आजू बाजू के साथ मिलके, इसके पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, चार आजू बाजू वालों के साथ शेयरिंग किया, ऑक्टेट कंप्लीट किया, बढ़िया था, स्टेबल था। हमने इसको हीट किया, हीट करने के कारण क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड टूटा और यहां का कोई इलेक्ट्रॉन मान लो पहुंच गया यहां पे, वैसे ही कुछ और बॉन्ड टूटे यहां पहुंच गए। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे होल्स क्रिएट हो गए, ठीक। लेकिन इस केस में एक खास बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल हमेशा बराबर होगा। ये कहानी है इसका प्योर सेमीकंडक्टर का, ठीक है, यानी कि यहां पे करंट निकाल लेंगे हम, आई प्लस आई एच के बराबर आ जाएगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये वाला बेटर क्यों है। अब हमने क्या किया, इस सेमीकंडक्टर के साथ डोपिंग कर दिया प्योर वाले के साथ, यानी कि इसमें हमने कुछ इंप्यूरिटीज मिला दिया। इंप्यूरिटीज दो तरह के मिलाते हैं, एक पेंटावेलेंट और एक ट्राईवेलेंट, समझ रहे हो बात को। पेंटावेलेंट में जैसे फॉस्फोरस हो गया, और कौन आता है, आर्सेनिक आता है शायद, जो भी है, और ट्राईवेलेंट में कौन कौन आता है जी, बोरोन आता होगा, एल्यूमिनियम आता होगा, बिल्कुल इंडियम आता होगा, ये सब चीजें आती होंगी। तो इसमें क्या डिफरेंस है, पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट में क्या होता है, जब मैंने पेंटावेलेंट मिक्स किया, मुझे पता है कि फॉस्फोरस के पास पांच इलेक्ट्रॉन है, और मुझे सिलिकॉन, ये फॉस्फोरस अगर यहां मिक्स हुआ तो ये पांच इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, काम खत्म। इसने बाकी लोगों का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसके बाद इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं डोनर इंप्यूरिटीज। कैसा इंप्यूरिटी बोलते हैं इसको, डोनर इंप्यूरिटी। इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और ये इलेक्ट्रॉन पहले से हमारे पास कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होगा। यानी कि इस केस में जो यहां हो रहा था वो तो होगा ही, इलेक्ट्रॉन टूट के यहां पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन होल मिलेगा,
लेकिन उसके अलावा कुछ और इलेक्ट्रॉन्स, कुछ नहीं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमें कंडक्शन बैंड में पहले से अवेलेबल मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में जो करंट का वैल्यू निकल के आएगा वो इससे कहीं बहुत ज्यादा आएगा, यानी कि इस कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नंबर ऑफ होल से बहुत ज्यादा होगा। अब खुद से सोचो, जब ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज ऐड करेंगे तो क्या होगा? मान लो कि इसके पास तीन ही इलेक्ट्रॉन होता, तो एक इसके साथ शेयर करता, एक इसके साथ शेयर करता, एक इसके साथ शेयर करता, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता? नहीं होता, इसको एक और चाहिए था। अगर इसको एक और चाहिए था तो उसको एक और इलेक्ट्रॉन कौन देता? कोई आसपास का सिलिकॉन एटम डोनेट कर देता इसको, ये ले भाई एक तू ले ले। तो इसके पास से अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता, तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? होल। यानी कि इसमें जब फॉस्फोरस था तो वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल था, लेकिन जब ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज आएगा, एल्यूमिनियम वगैरह आएगा, तो उसके पास पहले से क्या अवेलेबल होगा? होल्स। यानी कि उस कंडीशन में नंबर ऑफ होल का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होगा, और उस इंप्यूरिटी को बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्यूरिटी। वो क्या करता है? उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो मांग रहा है, भिखारी है वो, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्यूरिटी, और इसको बोलते हैं डोनर इंप्यूरिटी। और इन दोनों केसेस में हमें करंट का वैल्यू प्योर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मिलता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, बोलेंगे ना अभी थोड़ी देर में। अभी नाम का मैंने चर्चा ही नहीं किया। इलेक्ट्रॉन ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसी को बोलते हैं हम एन टाइप। क्या टाइप बोल देते हैं इसको? एन टाइप। नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा, हमने उसको क्या नाम दे दिया? पी टाइप। यही कहानी है बच्चों। चलो सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ प्योर सेमीकंडक्टर का, और उसके बाद में जो लिखा हूं वो लिखो। ये इलेक्ट्रॉन बच्चे ऐसे ही घूम रहा था, ये हवा में घूम रहा था, ये किसी के साथ इसने बैंड नहीं बनाया था, कोई खाली जगह क्रिएट नहीं किया इसने। हाँ, कंडक्शन बैंड बच्चे वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर वाला बैंड, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है। यहां इलेक्ट्रॉन जाता है यहां से हिट करने के बाद, दैट इज कंडक्शन बैंड। और यही वो जगह है जहां पे हम बैटरी लगा के चार्ज को फ्लो करवाते हैं, जिससे हमें करंट मिलता है। ठीक है, बैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर वाला जो खाली है। तुम लेट ज्वाइन किया क्या? तभी तो, कोई बात नहीं, सर ने सब लिखा दिया है, टेंशन मत लो, सब समझ में आ जाएगा पढ़ोगे तो। एक पेज से नहीं होगा, दो तीन पेज छोड़, दो पेज तीन पेज छोड़ दे कम से कम। हाँ, ये डायग्राम बन जाए तो बोलना, उसको मत बनाना अभी। ये डायग्राम अगर बन गया हो तो बताओ। बना लो, सब लोग बना लो। तुम साथ हो जब अपने, नीट के लिए बच्चे देखो, दूसरा बुक कुछ नहीं चाहिए, एक तो मेरा नोट्स चाहिए सबसे पहला। तीन चीज बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, तीन चीज, उसके अलावा कुछ नहीं। एक मेरा नोट्स, नोट्स का थ्योरी, नोट्स का क्वेश्चन, उसके अलावा कोई थ्योरी नहीं चाहिए। दूसरा असाइनमेंट जो यहां से तुमको मिलता है, और तीसरा नीट का क्वेश्चन बैंक, उसके अलावा कुछ नहीं। इतना ही करो, कंप्लीट करो, कम चीज करो, पूरा करने की कोशिश करो। ज्यादा चीज के पीछे भागोगे ना, इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। लिखो,
हाँ जी, प्योर सेमीकंडक्टर में लिखो, लिखो द प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर हैज लो कंडक्टिविटी, हैज लो कंडक्टिविटी, हैज लो कंडक्टिविटी एंड एंड हियर द कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, लिख लिए। नेक्स्ट ये हेडिंग लगाओ खाली, ये डायग्राम मत बनाना अभी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर डोप्ड सेमीकंडक्टर, और इसमें लिखो इन प्योर सेमीकंडक्टर, इन प्योर इसी की बात कर रहे हैं अभी, लेकिन हेडिंग ये है इन प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, इन प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, ये सेकंड नंबर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसके अंदर लिखना है इन प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर वेरी लेस इन नंबर, इन प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर वेरी लेस इन नंबर, ब्रैकेट में लिख लेना 1 in 10 to the power 8 एटम्स, 1 in 10 to the power 8 एटम्स, ब्रैकेट में ऐसा लिख लेना, फुल स्टॉप, लाइन चेंज, व्हेन, लाइन चेंज करके लिखो व्हेन, इम्प्योर, लेकिन हम लिखे, हमने लिखा है प्योर के बारे में अभी, इन प्योर, इन प्योर, आई एन गैप प्योर, ये लिखा है मैंने, कंफ्यूज मत हो, आगे लिखो व्हेन सम स्पेसिफाइड इंप्यूरिटीज, व्हेन some specified impurities, when some specified impurities are added to pure semiconductors, when some specified impurities are added in pure semiconductors, प्योर सेमीकंडक्टर्स, ब्रैकेट में लिख लेना 1 in 10 to the power 6 एटम्स, ब्रैकेट में 1 in 10 to the power 6 एटम्स, फिर से बोल रहा हूं व्हेन सम स्पेसिफाइड इंप्यूरिटीज आर एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, टू अ प्योर सेमीकंडक्टर देन its conductivity increases by many times, then its conductivity increases by many times, then its conductivity increases by many times, conductivity increases by many times, comma this process is called doping, this process is called doping, this process is called doping,
एंड सेमीकंडक्टर इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग एंड द सेमीकंडक्टर इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. यहां तक हो गया क्या? हाँ. पूरा पूरा फिर से. When specified impurities are added to a pure semiconductor, bracket में 1 in 10 to the power 6 atoms, the conductivity of semiconductor increases by many times. Conductivity of semiconductor increases by many times. हो गया? This process is known as doping and the semiconductor is known as extrinsic semiconductor. अरे हो गया यहां तक सबका? अब इसका पहला है बच्चों n type. n type extrinsic यानी कि इम्प्योर का पहला टाइप n type. अभी डायग्राम मत बनाना, पहले लिख लो एक लाइन फिर डायग्राम बनाना है. इन दिस सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर को शॉर्ट में SC लिखा करो, SC. इन दिस सेमीकंडक्टर पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज आर एडेड. इन दिस सेमीकंडक्टर पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज आर एडेड लाइक सिलिकन एंड जर्मेनियम. पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज आर एडेड लाइक फॉस्फोरस एंड ऑर्सेनिक. फॉस्फोरस ऑर्सेनिक एटसेट्रा. पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज आर एडेड लाइक फॉस्फोरस ऑर्सेनिक एटसेट्रा. ड्यू टू विच, आगे कंटिन्यू करो. ड्यू टू विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज. ड्यू टू विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बिकॉज the extra electrons of phosphorus are already present in conduction band. Because the extra electrons of phosphorus are already present in the conduction band. फुल स्टॉप. लाइन चेंज करके लिख लेना. दिस इंप्यूरिटी इज नोन एज डोनर इंप्यूरिटी. और बाकी ये लिखा है ही एनी ग्रेटर ग्रेटर NH, तो इसलिए IE का वैल्यू भी ग्रेटर ग्रेटर IH आएगा करंट. अब ये डायग्राम बनाओ जैसे बनाया है बिल्कुल वैसे. कंडक्शन बैंड CB. अरे ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आया? बना लो इसको, इसके बाद दूसरा टाइप कल पढ़ाऊंगा.